Welcome to Avipedia guys, myself Dr. Dharmendra and today I am going to discuss important MCQs on a modern history series, that is people's resistance against British before 1857. Okay, तो इसके अंदर हम वो important MCQs discuss करेंगे जो UPSC पूछ सकती है, ठीक है. ऐसा तो नहीं है कि जो भी हम discuss करें वही पूछेंगे, but at least आपको पता चल जाएगा कि आपकी preparation अप टू द मार्क है या नहीं. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन के ऊपर आ गया, इसको पढ़ के मैं बोलूंगा पहले, उसके बाद आपने आंसर निकालना है, चाहे वीडियो पॉज भी कर सकते हो आप. फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फकीर रेबेलियन. फर्स्ट ऑप्शन इज हिंदू एंड मुस्लिम इक्वली पार्टिसिपेटेड इन दिस रेबेलियन. सेकेंड इज बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर वर वन ऑफ द रीजन फॉर दिस रेबेलियन. थर्ड ऑप्शन इज इट वॉज अगेंस्ट द लोकल जमींदार. सो ऑप्शन है वन एंड टू, टू एंड थ्री, वन एंड थ्री एंड ऑल ऑफ द अबव. सो जल्दी से सॉल्व करो इसको, ठीक है. ओके तो थोड़ा सा देख लेते हैं. बेसिकली फकीर रेबेलियन, इसको हम सन्यासी रिवोल्ट भी बोलते हैं, जो आपने न्यूज उसके अंदर बुक्स के अंदर आपने बेसिक के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है. तो सन्यासी का ही दूसरा नाम है फकीर रेबेलियन, ऐसा भी यूपीएससी चेंज कर सकती है, ठीक है. तो फर्स्ट इज, अब देखो जो सन्यासी थे वो ट्रेवल करते थे नदर बंगाल के अंदर, वहां से जमींदार और बाकी लोगों से वो जितने भी फूड वगैरह लेते थे. उसके बाद क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुई, बैटल ऑफ बक्सर, देन वो कंट्रोल चला गया ब्रिटिश के पास. उन्होंने बहुत ज़्यादा जमींदार और वीकें से पीजेंट को एक्सप्लॉयट किया, एंड जितने भी सन्यासी आते थे उनको वो लूटर्स बोलते थे. देन इन्होंने रिवोल्ट बैक किया. So this is a story behind this sannyasi rebellion, right? So first is Hindu and Muslim equally participated. Yes, it is correct. Second statement is Battle of Plassey and Buxar were one of the reason. This is also a correct. हमने अभी किया. Third is it was against the local जमींदार. ये गलत है क्योंकि local जमींदार भी सन्यासी उनके साथ थे, फकीर्स के साथ थे. So third statement is wrong. So answer will be one and two only. Okay. Next question. Consider the following statement. इन कंटेक्स्ट ऑफ पाइका, पाइका रेबेलियन के बारे में. फर्स्ट ऑप्शन इज पाइकास वर द पीजेंट मिलिशिया इन महाराष्ट्र. सेकेंड इज द रेबेलियन अकर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बख्शी जगदम्बू. थर्ड ऑप्शन इज द पाइकास वर नॉट सपोर्टेड बाय राजास, जमींदार्स, विलेज हेड्स एंड ऑर्डिनरी पीजेंट्स, ठीक है. सो ऑप्शन इज टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन एंड थ्री ओनली एंड ऑल ऑफ द अबव. सो पाइका रेबेलियन ये हुई कहाँ पे थी, उड़ीसा के अंदर हुई थी. पहले पाइकास क्या थे, दे आर मिलिशियाज, ठीक है. तो वो क्या करते थे, प्रोटेक्शन देते थे, ठीक है. अब क्या हुआ कि आफ्टर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, अब उस टाइम के ऊपर अब उनकी जॉब चली गई क्योंकि ब्रिटिश का कंट्रोल आ गया था. देन उन्होंने रिवोल्ट पे किया. तो ये इस रेबेलियन की स्टोरी है थोड़ी सी, ठीक है. So they were basically peasant militias, अगर मैं बोलूँ, right? Okay, अब ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज peasant militia इन महाराष्ट्र. नो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है. क्यों, उड़ीसा के अंदर. द रेबेलियन अकर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बख्शी जगदम्बू. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट. थर्ड इज द पाइकास वर नॉट सपोर्टेड बाय. नो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि सभी ने उनको सपोर्ट किया था, ठीक है. सो मिलिशियस थे, जॉब जैसे जाएगी और बाकी लोकल जमींदार, उन्होंने सभी ने सपोर्ट किया इनको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. सो आंसर विल बी टू ओनली. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ वहाबी मूवमेंट. वहाबी मूवमेंट के बारे में बताओ. फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन इज इट वॉज एन इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट. सेकेंड इज ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट इट टर्न्ड इनटू आर्म्ड रेजिस्टेंस. थर्ड वन इज दिस मूवमेंट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सेडिशन लॉ इन इंडिया. वहाबी मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी, इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी, ठीक है. तो उस टाइम के ऊपर वो कोई भी चेंज नहीं चाहते थे, ठीक है, इस्लामिक के अंदर. एक ओरिजिनल टेक्स्ट थी जो उसकी. तो देन 1870s के अंदर जब ब्रिटिशर्स ने इसको दबाने की कोशिश की, तो उन्होंने सेडिशन लॉ पास किया था. तो हमारा आईपीसी का जो 1870 है आईपीसी, वो कहाँ से आया, यहाँ से, सेडिशन. सो दिस मूवमेंट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सेडिशन लॉ इन इंडिया. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टर्म आपको
याद होनी चाहिए, यूपीएससी यहाँ से करेक्ट कर सकती है, ठीक है। सो फर्स्ट देखते हैं, करेक्ट है। सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ नर्केलबेरिया अपराइजिंग। नर्केलबेरिया अपराइजिंग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट इज इट वॉज फर्स्ट आर्म्ड पीजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश। सेकेंड इज इन दिस मूवमेंट द हिंदू टेनेंट राइज अगेंस्ट मुस्लिम लैंडलॉर्ड। थर्ड इज लेटर ऑन इट मर्ज्ड विद मोपला अपराइजिंग। लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। तो थोड़ा डिस्कस करते हैं, नर्केलबेरिया के अंदर मुस्लिम्स ने पोज किया था हिंदू लैंडलॉर्ड को, एंड बियर टैक्स के कंटेक्स्ट के अंदर भी ये पूछा था कि बियर टैक्स किसके किसके अंदर था, कौन सी अपराइजिंग के अंदर? नर्केलबेरिया। तो बियर टैक्स लगा दिया था उसके, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट वाज द फर्स्ट आर्म्ड पीजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश। नो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड इज ऑपोजिट है, हिंदू टेनेंट नहीं मुस्लिम टेनेंट वॉज देयर। थर्ड वन इज लेटर ऑन इट मर्ज विद मोपला, नो इट्स वहाबी मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट के साथ ये मर्ज हुई थी। सो आंसर विल बी वन ओनली, ठीक है। तो फर्स्ट आपका ए इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेबिलियन वॉज मेड फेमस बाय बंकिम चंद्रा चटर्जी थ्रू हिज नॉवल अनंतमठ। ये आपको पता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सन्यासी रिवोल्ट, सी वेरी सिंपल। देन सिक्स्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ कुका मूवमेंट, जो नामदारी बात में बनी थी कुका मूवमेंट, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, दे लिव अ सिंपल लाइफ एंड डिस्कार्डेड ऑल अदर रिचुअल्स एक्सेप्ट चैंटिंग द नेम ऑफ गॉड। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, द सेक्ट बिलीव्स इन दसम ग्रंथ। थर्ड स्टेटमेंट इज द किलिंग ऑफ कैटल वॉज प्रोहिबिटेड। ऑप्शन है आपके लिए टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन एंड थ्री ओनली, एंड ऑल ऑफ द अबव। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, दे लिव अ सिंपल लाइफ एंड डिस्कार्डेड ऑल अदर रिचुअल्स एक्सेप्ट चैंटिंग ऑफ गॉड, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेक्ट बिलीव इन दसम ग्रंथ, ग्रंथ नॉट आदि ग्रंथ, दे बिलीव्ड इन आदि ग्रंथ, ठीक है। ओके ओके ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट इज द किलिंग ऑफ कैटल वॉज प्रोहिबिटेड, राइट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर विल बी वन एंड थ्री। अरेंज द फॉलोइंग बैटल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सेवंथ क्वेश्चन, पाइकार बिलियन, संथल बिलियन, रामोसी अपराइजिंग, सन्यासी। ये आपको याद करनी पड़ेगी। आपको करना क्या है कि जितने भी अपराइजिंग हुए हैं, पीजेंट अपराइजिंग, या वो तो ट्राइबल हो या सिविल हो, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लिखो, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लिखो। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी आजकल बहुत जालिम हुई पड़ी है, ठीक है, तो कुछ भी पूछ लेती है, उसने तो पूछना ही है, बताना थे आपको, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज सी 4132, पाइकार रिबेलियन 1817, संथल रिबेलियन 1855-56, रामोसी अराउंड 1822, एंड देन सन्यासी 1763-1800। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारी तो मैंने डिस्कस नहीं की, लेकिन इंपॉर्टेंट सारी करने का फायदा नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट के अंदर मैंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स यूज की हैं जो करंट रेलिवेंस है, जैसे सेडिशन के कंटेक्स्ट के अंदर यूज किया है, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए यूपीएससी के अंदर। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसके अंदर करंट रेलिवेंट जो हिस्ट्री से रिलेटेड है उसको इंटरकनेक्ट कर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। लाइक करो, शेयर करो, और अपने देखो कि आपने कितना पढ़ा है, कितना नहीं, और कितना जरूरी है। दिस इज द हाई टाइम नाउ, तो आपने प्रिपरेशन अपनी पूरी रखो। रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन आपको बहुत जरूरी है, तो उसको रिवाइज करना, ठीक है, बिकॉज रिवीजन इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आपने 70% भी सिलेबस किया है, रिवीजन ज़्यादा चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।